नमस्कार दोस्तों मैं संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में तो आज हम लोग बात करते हैं भाई आज सॉफ्टवेयर की मदद से अगर काम हम करते हैं तो कैसा क्या रहता तो सारी हम सारी बातें कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पर देखिएगा आपका बैंक निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है जैसे मार्केट ओपन हुआ तो कुछ इस तरह से ओपन हुआ था मार्केट का पहला जो ओपनिंग कैंडल वो ये रहा अब यहाँ से अगर देखू तो भाई मार्केट थोड़ा सा पहले ऊपर गया इसके बाद नीचे आया तो ये अगर फ्यूचर में आप काम करते बाय वाला सिग्नल ये गलत था और ये सेल वाला सिग्नल अगर फ्यूचर में अगर ट्रेड करते तो बिल्कुल सही था इसके पीछे रीजन चेक कर लेते हैं सबसे पहला रीजन क्या है अपना यहाँ पर येलो लाइन के नीचे ये कैंडल बनी है यानी कि मार्केट सेलिंग जोन के अंदर यहाँ पर चल रहा है तो डेफिनेटली इसको हम सेल करना चाहिए पहली कंडीशन ये बोल रही है सेकंड कंडीशन देखिएगा एडवांस स्मार्ट इंडिकेटर जो होते शुरुआती तीन रेड होने चाहिए तो यहाँ पर तीन की जगह लगभग पांच यहाँ पर इंडिकेशन रेड थे और बेसि बात है कि यहाँ पर एडवांस इंडिकेटर यहाँ पर गवाही दे रहे हैं कि आपको सेल करनी चाहिए थर्ड होता है पाइवोट लेवल पाइवोट लेवल की वैल्यू के नीचे मार्केट सेल होना चाहिए पाइवोट के नीचे मार्केट सेल बना है ये सिग्नल तो ये तीनों कंडीशन बोल रही है कि मार्केट सही है डेफिनेटली इसको ट्रेड करना चाहिए लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि मार्केट फर्स्ट टारगेट देगा सेकंड देगा कि थर्ड देगा वो पता करने के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म यहां पर लगे होते हैं इंटर में मार्केट आपका सेल है तो सारी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाती है लेकिन शॉर्ट टर्म भी आपका सेल है लॉन्ग टर्म भी आपका सेल है मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मार्केट काफी ज्यादा गिरने वाला है तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अगर यहाँ पर दोनों अगर सेल बता रहे हैं, मतलब मार्केट आपका डेफिनेटली टारगेट तो देगा ही देगा इसके बाद चेक कर सकते हैं थर्ड टारगेट भी आपका अचीव हो गया और मार्केट आज काफी ज्यादा गिरा तो फ्यूचर में अगर आप काम करते तो यहाँ पर आप काफी ज्यादा मुनाफा बना सकते थे अब बात करता हूँ ऑप्शन में आज क्या हुआ तो ऑप्शन का बताना चाहता हूँ जैसे पहले कैंडल अपनी ये रही आज का ओपनिंग प्राइस कितना था चालीस हजार पांच सौ तो चालीस पांच सौ में यहां पर लगा देता हूं और चालीस पांच सौ को मैं यहां पर देखिएगा पुट ऑप्शन ओपन कर लेता हूं पुट क्यों क्योंकि साहब मार्केट जब ओपन हुआ था लगातार गिर रहा था इसलिए मैंने पुट ओपन दिखा रहा हूं अब देखिएगा पुट ऑप्शन यहां से देखिएगा क्या हुआ पहला सेल सिग्नल जनरेट हुआ ट्रेड नहीं करना था और यहां से देखिएगा अब यहां पर आपको लग रहा होगा कि यार आपके यहां तो बाय बना है तो बता दूं ऑप्शन चार्ट जो होता है तीन मिनट टाइम फ्रेम पर वर्क करना है ठीक है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं लिया मैं कुछ चीज करके बताता हूँ यहां पर देखिएगा मॉर्निंग में आपका यहाँ सिग्नल जनरेट हुआ था यहाँ पर लेकिन ये ट्रेडेबल नहीं था क्यों नहीं था क्योंकि मैं मार्केट के नीचे पर देखिए वॉल्यूम आपका ग्रीन नहीं था इसलिए इसको ट्रेड नहीं करना था लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर हालांकि पांच मिनट टाइम फ्रेम पे इसको लगा के चेक करा और उन्होंने यहाँ पर उसको एंट्री भी लिया तो उन्होंने हालांकि अच्छा किया क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा ट्रेंड ट्रेडेबल था आज ट्रेंड में था लेकिन हमारे तीन मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आज हमें एंट्री नहीं मिली इसलिए हमें उसको एंटर नहीं करना था क्योंकि अगर तीन में टाइम फ्रेम पे अगर वॉल्यूम आपका साथ नहीं देता फिर भी अगर आप एंट्री कर लेते हो तो कुछ इस तरह का माहौल मार्केट आपको करके दिखाता है जैसे कि यहाँ देखिएगा क्या हुआ था मार्केट पहले ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे आया साइडवेज चलता रहा तो इसलिए कभी भी आपको नीचे जब तक वॉल्यूम ग्रीन ना हो तब तक आपको एंट्री नहीं करनी अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई यहाँ से एंट्री नहीं करे तो यहाँ से ग्रीन हो गया यहाँ कर ले क्या सर ऐसा नहीं करना जब एंट्री होती है तो एंट्री कैंडल में से बात करूं ये अपना सिग्नल कैंडल है जहां पर सिग्नल जनरेट हुआ है और एंट्री कैंडल अपनी कौन सी होती है सेकेंड कैंडल तो यहां तक आपका वॉल्यूम ग्रीन हो जाना चाहिए तो ही आप काम करोगे अदरवाइज का काम नहीं करना उसको छोड़ देना अवॉइड कर देना भले ऐसे मौके आपसे छूट जाएंगे लेकिन जब भी आप तरीके से काम करोगे सारी कंडीशन फॉलो कर काम करोगे तो डेफिनेटली आपको मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा ये तो हो गया कौन सा पोर्ट ऑप्शन अगर बात करें कोल ऑप्शन के अंदर तो कोल ऑप्शन के अंदर भी आज कोई सिग्नल नहीं मिला ये भी देखिए लगातार मोनी से गिर रहा था ये हो गया सर बात किसी की बैंक निफ्टी की अब बात करते हैं निफ्टी की तो निफ्टी पहले मैं फ्यूचर आपको दिखा दूं निफ्टी का जैसा फ्यूचर है यहाँ पर अगर इसको देखें तो यहाँ से देखिए लगातार नीचे गिर रहा था लेकिन ये फ्यूचर में ट्रेडेबल नहीं था अब हम बात करते हैं ऑप्शन के अंदर तो ऑप्शन का ओपनिंग प्राइस कितना था सत्रह चार सौ साठ यानी कि सत्रह हजार पांच सौ का आपका स्ट्राइक प्राइस बन रहा है ठीक है सत्रह पांच सौ हम लोग यहाँ पर क्लिक किए हैं और सत्रह पांच सौ बता भाई पुट ऑप्शन देखिएगा मॉर्निंग से लगातार ऊपर भागे जा रहा था इसने कहीं भी री एंट्री नहीं दी इसलिए हमने इसमें एंट्री नहीं की अगर हम बात करते हैं कॉल ऑप्शन के अंदर तो देखिए कॉल ऑप्शन भी यहाँ पर देखिएगा लगातार मॉर्निंग से गिरी रहा है इसने भी एंट्री करने के लिए कुछ भी यहाँ पर हमें कंफर्मेशन नहीं दिया टोटल तो अगर बात अगर करूं तो आज आपको ना तो निफ्टी में काम करना था ना बैंक निफ्टी ऑप्शन में काम करना था ठीक है अब लेकिन यहाँ पर मार्केट लगातार एक वाइज चला और हम एंट्री नहीं कर पाए ठीक है अब भाई बहुत से लोग बोलेंगे यार इसमें एंट्री नहीं हुई है लेकिन आज तो मार्केट काफी अच्छा प्रॉफिट दिया तो ऐसी कंडीशन में क्या करें तो सिंपल से एक फंड आपको बताना चाहूंगा आपको जब भी ऐसी कंडीशन होती है मार्केट आपको री ना दे या कोई प्रॉब्लम अगर ऐसी आ रही हो तो आपको सिंपल से यहाँ पर फोकस करना है जैसे मैं लिए चलता हूँ आपको बैंक निफ्टी पे अब यह देखिएगा बैंक निफ्टी का आपको मैंने चार्ट निकाल लिया अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर देखेगा आपका ये सेलिंग का सिग्नल आपका जनरेट हुआ था फ्यूचर के अंदर ठीक है इस बात को समझिएगा नोट कीजिएगा क्योंकि हमें एंट्री करने का मौका नहीं मिला उस कंडीशन में क्या करना है तो यहाँ पर देखिएगा हमने क्या किया कि यहाँ पर फ्यूचर के चार्ट में यहाँ पर सेल सिग्नल जनरेट हुआ था अब सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे चेक चेक करना है कि फ्यूचर सिग्नल जो जनरेट हुआ है ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है और खासकर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या उसका सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है यानी कि मार्केट बोल रहा है सेल सारी कंडीशन सेल बोल रही हैं लेकिन क्या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी इसको सेल बोल रहे हैं क्या अगर ये दोनों सेल बोल रहे हैं तो आपको सिंपल से ये करना था इस कैंडल का देखिए टाइमिंग देखिए कितना है साढ़े ग्यारह का आपको यहां पर चालीस पांच सौ वाला पुट ऑप्शन इसमें साढ़े ग्यारह बजे के जो अगली कैंडल बनेगी उसमें आपको एंट्री कर जाना है अगले कैंडल कब बनेगी अगले कैंडल यहां पर देखिए कितने बजे बनी ग्यारह पैंतीस तो ग्यारह पैंतीस पे आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो तो आपकी एंट्री बिल्कुल सटीक होगी और नीचे आपको वॉल्यूम भी मिलेगा ये यह देखेगा यहां पर देखेगा इस कैंडल पे आपका नीचे वॉल्यूम में आपको ग्रीन मिलेगा डेफिनेटली आप यहां से एंट्री करके अच्छा खासा मुनाफा ले सकते थे ठीक है ये मैंने आपको चीजें बताई हैं कब जब मार्केट एक ही ट्रेंड में चल रहा हो और हमें एंट्री करने का मौका नहीं मिल रहा हो तब करना है ठीक है डेली बेसिस पैसा नहीं करना हालांकि मैं तो कहूंगा इसको आप अवॉइड करो इस चीज को छोड़ो भले हमारी एंट्री नहीं हुई उसको अवॉइड करो कल डेफिनेटली एंट्री होगी उसमें काम करके पैसा हम लोग बना लेंगे ठीक है तो इस तरह से आज आपको काम कर सकते थे ठीक है ये थी सारी इंफॉर्मेशन आज के चार्ट की तो आज के चार्ट मैंने आपको पूरा बता दिया क्योंकि बहुत से लोग वेट कर रहे थे यार आज वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा तो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि सिस्टम कोई बना नहीं था इसलिए मैं अपलोड नहीं करना चाहता था बट मुझे ऐसा लगा कहीं आप नेगेटिव ना हो इसलिए मैंने आपको वीडियो बना के दे दिया आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी मिलते हैं नई वीडियो साथ तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू